हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में स्वतंत्रता दिवस का जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। शिमला में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शिरकत की और ध्वजारोहण किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने एक बार फिर हिमालय रेजिमेंट बनाने की मांग उठाई। साथ ही केंद्र से आपदा के लिए आर्थिक मदद और प्रधानमंत्री सहित केंद्रीय मंत्रियों को हिमाचल आकर आपदा के जख्मों को देखने का भी न्योता दिया। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि शिमला में धूमधाम के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, मगर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस साल 1 जनवरी से अब तक प्रदेश के 18 जवानों ने देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश वीर भूमि है, यहाँ के लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम से लेकर भारत की सुरक्षा करने तक अपना योगदान दिया है। 4 परमवीर चक्र हिमाचल ने जीते हैं, पहला परमवीर चक्र हिमाचल को मिला है, लिहाजा केंद्र सरकार को हिमाचल या हिमालय रेजिमेंट बनाने के बारे में विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि तर्क दिया जा रहा है कि अब क्षेत्रीय प्रदेश के नाम पर रेजिमेंट बनाने का प्रावधान नहीं है, लेकिन पड़ोसी देशों में जो हो रहा है उसको देखते हुए देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार को इसमें रिलैक्सेशन देनी चाहिए। शिमला में बड़ी सजधज के साथ बड़ी धूमधाम से सेलिब्रेशन हुई हैं, आपने देखा। और जो यहाँ पे कार्यक्रम हुआ है, सबसे बढ़िया बात यह है कि बहुत लोग इसको देखने के लिए आए। आजकल हम देख रहे हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे प्रोग्राम होते हैं, वहाँ पे लोगों की शमूलियत जो है कम होती है, लेकिन यहाँ बहुत दुनिया आई देखने के लिए, और ये राष्ट्र के लिए ज़रूरी है, राष्ट्र के गौरव का मसला है। और सबसे अहम बात यह है कि इस साल हिमाचल प्रदेश के 18 जवान जो है सरहद पे रक्षा करते हुए या आंतरिक सुरक्षा करते हुए शहीद हुए हैं, जिन्होंने अपना बलिदान दिया है पहली जनवरी से लेके आज दिन तक। तो ये वीर भूमि है, और इस वीर भूमि के लोगों ने इस देश को आज़ाद कराने से लेके उसकी सुरक्षा तक अहम भूमिका निभाई है। 4 परमवीर चक्र हिमाचल के खाते में आ चुके हैं, और सबसे पहला परमवीर चक्र भी हिमाचल ने ही हासिल किया था, तो इसलिए उसे आप हिमाचलियों के जज्बे को देख सकते हैं। और जिन 18 लोगों ने इस दफ़ा बलिदान दिया इस राष्ट्र के लिए, हम उनको याद करते हैं, उनको नमन करते हैं। और उसके चलते हमारा ये मानना है, जब डिफरेंट बटालियंस हैं, रेजिमेंट्स हैं, कहीं डोगरा रेजिमेंट हैं, कहीं सिख रेजिमेंट हैं, कहीं J&K राइफल्स हैं, कहीं, तो ऐसे में हिमालयन रेजिमेंट या हिमाचल रेजिमेंट किसी उसके बारे में केंद्र सरकार को सोचना चाहिए। कहा जा रहा है कि अब ये फार्मूला बंद कर दिया गया है कि किसी प्रदेश के नाम पे या किसी एरिया के नाम पे रेजिमेंट्स बनाना का जो है तौर तरीका नहीं है अब। लेकिन जब हम सरहदों की रक्षा करते हैं और हमारे आसपास के पड़ोस में आप देखते हैं दूसरे देशों में क्या हो रहा है, तो देशभक्ति से की प्रेरणा के लिए हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार उसको रिलैक्स करे और हिमालयन रेजिमेंट बनाए।